का व्यवस्था देने का काम किया है। जहां तक गंभीर मरीजों के धनाभाव का सवाल है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश में लागू है। और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में, और हमने सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी उसमें चिन्हित किया है, लिस्टेड किया है, वहां भी हम निःशुल्क इलाज दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है एम्बुलेंसेज के बारे में, हमारी 102 एम्बुलेंसेज और 108 एम्बुलेंस लगातार काम कर रही है। 2200 एम्बुलेंस हमारे पास 108 की है, 2270 एम्बुलेंस हमारे पास 102 की है, और इनको हम लगातार मरीज को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डायलिसिस की चिंता हम आप माननीय सदस्य ने की, डायलिसिस के बारे में उत्तर प्रदेश में इससे पहले जिला स्तर पर डायलिसिस नहीं होते, बड़े शहरों में कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बनारस जैसे बड़े शहरों में होते। डायलिसिस की सुविधा देने वाला राज्य 74 जनपदों में आप हर जिला मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 बेड उपलब्ध है, जिससे डायलिसिस की सुविधा हम दे पा रहे हैं। 71 हमारे जिला चिकित्सालय है जहां हम सिटी स्कैन की सुविधा पहली बार दे पा रहे हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सिटी स्कैन की सुविधा नहीं होती। इसके अलावा टीबी रोगियों के बारे में आपने चिंता ही नहीं की, टीबी रोगियों के बारे में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने टीबी रोगियों को इतनी बड़ी संख्या में चिन्हित किया है, और चिन्हित करने के साथ साथ टीबी से मुक्ति दिलाने के लिए हम उनको गोद भी ले रहे हैं, हमारे सभी अधिकारी, हमारे माननीय विधायकगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, और उनको पोषण सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं। टीबी की रोगियों की संख्या में हम तेजी के साथ कम करने के तरफ तेजी के साथ आगे काम कर रहे हैं। इसके अलावा सभी जिला चिकित्सालयों में हमने क्रिटिकल केयर यूनिट बनाए हैं जो आज तक नहीं थे, जो 50 और 100 बेड के हैं, जहां पर हम सभी टर्शियरी केयर की सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जहां तक स्पेसिफिक सवाल कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए है, हम आपको बताना चाहते हैं आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपना निधि है और मुख्यमंत्री जी की जो व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी जारी करते हैं गंभीर मरीजों के लिए, ऐतिहासिक देश से पहली बार दोनों जगह मैं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य बैठे विपक्ष के भी अगर सही बोलेंगे तो पहली बार मुख्यमंत्री सहायता कोष से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो भी मरीज मांगता है इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी इसमें विभाजन नहीं है, जो भी मरीज मांगता है उसको आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, दल को हम लोगों ने नहीं देखा है। आप लिस्ट उठा करके देखेंगे बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री सहायता कोष से हमने सहायता गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को प्रदान की है जिन्होंने डिमांड किया है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, जहां तक एक सवाल प्रश्न में विस्तार से आपने बोला जौनपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में, वैसे तो माननीय अध्यक्ष जी हम किसी को नंगा नहीं करना चाहते, किसी को आईना दिखाना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने सवाल उठाया तो मैं स्पष्ट कर दूं, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना शुरू हुआ। आप सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए अध्यक्ष जी, उत्तर जौनपुर का मेडिकल कॉलेज सुने, अरे बैठो ना तुम, अरे सुनो भैया विधायक जी, अरे बैठो प्लीज, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, आप ही जिनका बनना शुरू हुआ, रुकिए अभी रुकिए ना प्लीज नहीं, अरे उत्तर आ जाने दीजिए, भैया पानी पी लो, मैं ऊंचा बोल रहा हूं मुझे रोक रहेगा, ऊंचा मत बोलो, आप भी मेरा सहयोग करो, चलो देख लूंगा वो अनुचित होगा तो अच्छा, मैंने निकाल दिया जाए, उसको निकाल देंगे अध्यक्ष जी। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भाई साहब लोगों की सरकार में बनना शुरू हुआ और उसमें टेंडर मिला टाटा कंपनी को, टाटा कंपनी के अधिकारियों को जबरदस्ती बलात् एक व्यक्ति को इन्होंने काम दिला दिया और वो भगोड़ा साबित हुआ, भाग गया और काम की गुणवत्ता को पैसे लूट करके खा गया, उसकी जांच चल रही है। यही लोग बनाने वाले हैं, यही लोग बनाने वाले हैं। जब आप एक उंगली उठाते हैं तो तीन उंगली तुम्हारी तरफ उठती है, भ्रष्टाचार की जमीनी रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोट की हम लोग प्रदान कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था। अध्यक्ष जी पहली बार मैं बता दूं, पहली बार चूंकि माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है, माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है,
एक बात साहब सुनिए, आप जो चिकित्सक हैं समझ पाएंगे, जो जांच भी कराएंगे और जेल भी भेजेंगे, कोई बचेगा नहीं भ्रष्टाचारी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है, पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम विशिष्ट श्रेणी के चिकित्सकों को 5 लाख रुपए तक रिवर्स बिडिंग से दे रहे हैं, आज तक इतिहास में नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं है, प्लीज बैठिए। तुफानी जी, तुफानी जी बैठिए, तुफानी जी ठंडा पानी पियो। मिस्टर तुफानी आप बैठिए, आपको इजाजत नहीं है, नहीं किसी को कोई इजाजत नहीं, आपको भी नहीं है। उत्तर आ जाने, आप संतुष्ट हो या ना हो, आप नहीं तुफानी जी, जो कुछ भी तुम्हारे जी कह रहे हैं नहीं लिखा जाएगा, बैठिए तुम्हारी, नहीं है आपको इस बात की इजाजत नहीं है, नॉट अलाउड टू स्पीक, जो कुछ इन्होंने बोला नहीं लिखा जाएगा। ऐसे नहीं है कि कोई भी बीच में खड़ा होकर बोलना शुरू कर देगा। पहली बार हो रहा है कि हम विशिष्ट श्रेणी के चिकित्सकों को 5 लाख रुपए तक रिवर्स बिडिंग से दे रहे हैं, आज तक इतिहास में नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं है, प्लीज बैठिए। तुफानी जी, तुफानी जी बैठिए, तुफानी जी ठंडा पानी पियो। मिस्टर तुफानी आप बैठिए, आपको इजाजत नहीं है, नहीं किसी को कोई इजाजत नहीं, आपको भी नहीं है। उत्तर आ जाने, आप संतुष्ट हो या ना हो, आप नहीं तुफानी जी, जो कुछ भी तुम्हारे जी कह रहे हैं नहीं लिखा जाएगा, बैठिए तुफानी, नहीं है आपको इस बात की इजाजत नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक, जो कुछ इन्होंने बोला नहीं लिखा जाएगा। ऐसे नहीं है कि कोई भी बीच में खड़ा होकर बोलना शुरू कर देगा। डॉक्टर रागिनी बैठिए, जिनका प्रश्न है बस लास्ट प्रश्न वो पूछेंगे बस। अध्यक्ष महोदय, मैं दोषी मंत्री जी को नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एक समय था कि एक डॉक्टर को नियुक्त किया जाता था उस पद पे, क्योंकि आज अगर इस सरकार को लगता है कि गूगल खोल करके आप डॉक्टर बन जाएंगे और आपको इस विभाग के बारे में ए टू जेड सब पता चल जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन जब तक एक डॉक्टर नहीं होगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि आपके स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज सिर्फ मरीजों का नहीं, डॉक्टरों का भी बहुत बुरा हाल है आपकी सरकार में। और प्रश्न क्या आपका प्रश्न? ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार डीजीएमई के पद को चेंज करके आईएएस ऑफिसर से हटा करके एक डॉक्टर जो उस विभाग के बारे में पूरी जानकारी रखता हो उसको वहां पे बिठाएगी या नहीं बिठाएगी?